नमस्कार सभी को। आज हम 129th दिन में हैं IFPH हिंदी वेबिनार के। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर सपना गुप्ता, एंड वो चर्चा करेंगी स्त्री रोग संबंधित रोगों के लिए होम्योपैथिक चिकित्सा व्यवस्था में। आज हम लोगों के बीच में बहुत ही प्रतिभाशाली महिला हैं, डॉक्टर सपना गुप्ता। सपना गुप्ता जी करीब करीब पिछले 20 वर्षों से होम्योपैथिक चिकित्सा में प्रयास कर रही हैं। ये ग्वालियर में प्रैक्टिस इनका काफी अच्छा है। आप ग्वालियर से जाएंगे तो सपना गुप्ता जी का नाम आपको चारों बगल दिखाई पड़ेगा। सपना गुप्ता जी चेन्नई में भी काफी एक्टिव हैं और ग्वालियर यूनिट के ये सेक्रेटरी भी हैं। इसके साथ में सपना जी का काफी योगदान रहा है। ये इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म पर इनके काफी प्रेजेंटेशन है। मैं भी इनके साथ में ट्रेवल किया हूँ पेरिस में और कई एक जगहों पर, तो मैंने इनको वहाँ पर अपने स्वयं सुना हूँ। आपको मुझे याद है ब्राजील में और फिर फ्रांस में भी कई एक जगहों पर मैंने इनको सुना है और इनके लेक्चर्स काफी होते हैं। इनका सबसे बड़ा इनका जो खासियत है, इन्होंने क्लिनिकल के साथ में इन्होंने जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है अपने लाइफ में, जो भी अपने प्रैक्टिस करते हैं उसको वो लोगों के सामने में लाने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग आज सपना गुप्ता जी को सुनते हैं। सपना गुप्ता जी, आप अपना अपने को अपलोड कर सकती हैं पीपीटी और अपना प्रोग्राम शुरू कर सकती हैं। सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं सभी सम्मानित डॉक्टर्स और हमारे गुरु डॉक्टर सहनी जी और सभी चिकित्सकों का स्वागत करती हूँ। और इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी, जो निरंतर होम्योपैथिक चिकित्सा क्षेत्र में निरंतर सेमिनार्स का आयोजन कर रहा है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है और इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप सबने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्त्री रोगों में होम्योपैथी का क्या योगदान है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किसी भी प्रदेश, किसी भी देश, किसी भी समुदाय या किसी विश्व की ताकत कितनी है, उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं वहां की स्त्रियों की सेहत को देख के। तो स्त्रियों की सेहत एक बहुत जरूरी चीज है, ना केवल देश दुनिया में बल्कि वो एक परिवार की रीढ़ है। अगर परिवार को स्वस्थ रखना है तो एक स्त्री को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो इसका ध्यान स्वयं स्त्री को रखना होगा, परिवार को रखना होगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से स्त्रियां अपने स्वयं का ध्यान न रख पाते हुए दूसरों की निरंतर सेवा करने में लगी रहती हैं। तो आज हम स्त्री रोगों के बारे में बात करेंगे और किस प्रकार होम्योपैथी की दवाइयां उनके लिए कारगर हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर हैनीमैन ने हमें एक डॉक्टर बनाया है, एक होम्योपैथ बनाया है, जिससे कि हमें रोगों के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन अन्य डॉक्टरों और होम्योपैथ्स में एक अंतर है कि हमें एक बेहतर इंसान भी उन्होंने बनाया है। तो जो एक इंसानियत है, जो एक इमोशनल एलिमेंट है, वो डॉक्टर्स के रूप में होम्योपैथ्स में काफी देखने को मिलता है। इसके लिए मैं डॉक्टर हैनीमैन जी का शत शत नमन करती हूँ। होम्योपैथिक दवाएं स्त्री रोगों के क्षेत्र में कारगर है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। तो स्त्री की लाइफ में, जिंदगी में अनेक पड़ाव आते हैं, जो कि जब वो पैदा होती है, शिशु होती है, उससे लेके जब वो थोड़ी बड़ी होती है और जब बुढ़ापे की ओर आती है, हर पड़ाव में होम्योपैथिक दवाएं कारगर हैं। चाहे वो बाल्य अवस्था हो, चाहे वो किशोर अवस्था हो, चाहे वो युवा प्रौढ़ अवस्था हो या वृद्धावस्था हो। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किशोर अवस्था से। किशोर अवस्था यानी एडोलेसेंस, ये लड़कियों के जिंदगी का एक बहुत ही अहम पीरियड होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड है जहाँ पे उसकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं और इन बदलावों का असर उसकी बाकी की जिंदगी पर दिखाई देता है। तो ये जो पीरियड है, ये किशोरावस्था, जब एक शिशु के रूप में, मतलब एक बच्ची और एक युवा अवस्था के रूप में कदम रखती है, तो उसके बीच का जो पड़ाव है उसे हम किशोरावस्था के नाम पे जानते हैं। ना, इस अवस्था में जो है एक बच्चा
एडल्ट के रूप में मैच्योर होता है इसके बाद, तो इसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं जो कि शारीरिक बदलाव हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जो हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, उसके अलावा सामाजिक बदलाव आते हैं व साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, मनोवैज्ञानिक बदलाव भी आते हैं। तो ये जो बदलाव हैं ये एक लड़की की जिंदगी में ये काफी अहम रहते हैं और इनका काफी उसके दिमाग पर गहरा असर छूट जाता है। तो ये जो बदलाव है ना केवल एक लड़की के लिए बल्कि उसके पेरेंट्स के लिए भी बहुत डिफिकल्ट समय है। अगर हम बायोलॉजिकल बदलावों की बात करें तो जो शरीर में चेंजेस आते हैं तो लड़कियां उसके बारे में काफी क्यूरियस होती हैं, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट सोशल सामाजिक बदलाव आते हैं कि जब बच्चा अपने डिसीजंस खुद लेना चाहता है, वो परिवार से दूर होता है, दूर होता जाता है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा समय बिताना चाहता है, तो ऐसे समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है माता पिता के लिए भी और स्वयं बच्चे के लिए भी कि उनके मनोवैज्ञानिक स्तर को जांचे और उस हिसाब से उनकी देखभाल करें ताकि वो बच्चा उनका सही मार्ग पर चले और आगे जाके उनका मेंटल फिजिकल और बिहेवियरल डेवलपमेंट उचित हो। ये कुछ कॉमन किशोरावस्था की कंप्लेंट्स हैं जैसे कि अर्ली प्यूबर्टी, डिलेड प्यूबर्टी, डिसफंक्शनल यूटराइन ब्लीडिंग, डिसमेनोरिया, ल्यूकोरिया और एमिनोरिया। इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये प्यूबर्टी यानी कि यौवना प्रारंभ। आजकल लड़कियों में ऐसा बहुत देखा जा रहा है अर्ली प्यूबर्टी या प्रीकॉक्शियस प्यूबर्टी यानी कि समय से पहले लड़कियां प्यूबर्टी पे जा रही हैं। तो कई बार ये नॉर्मली भी होता है लेकिन चूंकि आजकल हार्मोन्स का डिसबैलेंस बहुत हो रहा है हमारे खान पान की वजह से और हमारे सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से और जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं उनकी वजह से कि बच्चे समय से पहले बड़े हो रहे हैं। तो समय से पहले बड़ा होना एक अच्छी बात नहीं इस सेंस में भी है कि इसकी वजह से कई हम बीमारियों के प्रति रिस्क फैक्टर हो जाता है वो, तो इसीलिए एक ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा डिलेड प्यूबर्टी, और ये कई बार ऐसा होता है कि कुपोषण की वजह से अधिक एक्सरसाइज करने की वजह से ये प्रॉब्लम कुछ बच्चियों में देखने को मिलती है। मैं आपको किस्सा बताना चाहूंगी। एक मेरे पास 16 साल की लड़की आई तो उसकी मम्मी ने कहा इसको पीरियड्स अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं और बच्ची को देख के भी मुझे नहीं लग रहा था कि 16 ईयर्स की हो चुकी है, उस हिसाब से इसमें चेंजेस भी नहीं दिख रहे थे। तो मैंने पूरी केस हिस्ट्री देखी, मम्मी को तो पीरियड्स समय से ही आए थे बट ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं। बट चूंकि हम होम्योपैथ्स हैं हमें पता है कैसे सिटी तक जाना है, हमें अपना रूब्रिक कैसे निकालना है, हम होम्योपैथ से हम लगे रहते हैं। तो जब बहुत डिटेल में पूछा तो मुझे पता चला कि शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ एथलेटिक्स, मतलब वो एक खिलाड़ी है वो लड़की, तो घंटों घंटों उसकी प्रैक्टिस चलती है। तो ये एक कारण हो जाता है कि जब प्यूबर्टी यानी कि यौनावस्था देर से है, तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है बट अपने थोड़े लाइफस्टाइल को खान पान को नियंत्रित कर सकते हैं। बाकी होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत सारी हैं जो इस समय काम आती हैं जैसे पल्सातिला, नैट्रम यूरिया एटिकम, काली कार्बोनिकम, रेफाइटस, लाइकोपोडियम, कैल्केरिया कार्बोनिकम और साइक्लामेन। इनके बारे में आप थोड़े समय में डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहला हमारा विषय है डिसफंक्शनल यूटराइन ब्लीडिंग। डिसफंक्शनल यूटराइन ब्लीडिंग, नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो तो हमारा हर महीने आता ही है जो 21 से 35 डेज का ड्यूरेशन रहता है, बट जब ये इस ड्यूरेशन से पहले आए या लंबा लंबा महावारी चले तो उसे हम डिसफंक्शनल यूटराइन ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। तो जिन लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन यानी कि महावारी समय पर नहीं होती है, लेट जल्दी होती है, लेट होती है या उन्हें अधिक महावारी होती है, वो इस समस्या से जूझती हैं। इसका प्रमुख कारण एनओव्यूलेशन रहता है जो कि ज्यादातर पीसीओडी की केसेस में, हार्मोनल डिसबैलेंस के केसेस में देखा जाता है। इसकी वजह से जो महावारी है वो काफी लंबे समय से चलती है और काफी अधिक मात्रा में होती है। चलिए लेट्स डिस्कस, अब होम्योपैथी दवाइयों के बारे में डिस्कस करते हैं। कैल्केरिया कार, इसमें ये जो एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है उन लड़कियों के लिए जिन्हें प्रीकॉक्शियस प्यूबर्टी यानी कि समय से पहले प्यूबर्टी आ गई है। तो ऐसी बच्चियां ज्यादातर, इनका वेट ज्यादा होता है, थुलथुला शरीर होता है और ये सेंसिटिव होती हैं ठंड के प्रति।
और कैलकेरिया का आपका एक खास सिम्टम तो हम जानते हैं कि इन्हें सिर पर अधिक पसीना आता है। तो इन लड़कियों में जिन्होंने अर्ली प्यूबर्टी पाई है, उनके पीरियड्स जल्दी आए हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं, वो काफी समय तक रहते हैं। और एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि स्लाइटेस्ट इमोशनल कॉज, कुछ भी व्यावहारिक चेंज आता है, ज्यादा खुशी ज्यादा गम से इनके पीरियड्स वापस आ सकते हैं। ये जो बच्चे हैं, बचपन में इनकी ग्रोथ बहुत पुअर रही होती है, मतलब डिलेड माइलस्टोन्स के शिकार होते हैं, मतलब देर से दांत आना, देर से चलना सीखना, क्योंकि कैल्शियम एसिमिलेशन इन लोगों का पुअर होता है, बट इनको प्रीकॉक्शियस प्यूबर्टी की शिकायत हो जाती है। और कैलकेरिया का आपकी पर्सनालिटी वाली कन्या में अंडे खाने की और स्वीट्स की बहुत तीव्र इच्छा होती है, साथ ही इनडाइजेस्टिबल थिंग्स खाने की। इन्हें हर खाने के बाद दे वॉन्ट अ डिजर्ट, उन्हें मीठा चाहिए, उन्हें मीठा इतना पसंद है, और उन्हें दूध व मीट से एवर्जन रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक ऑपोजिट की, जो है फॉस्फोरस। ये बच्चे भी जल्दी ग्रो करते हैं, मतलब जल्दी इनका रैपिड डेवलपमेंट होता है, पर ये दुबले पतले थिन कमजोर से दिखते हैं। इनकी भी ब्लीडिंग, मतलब महावारी की जो प्रॉब्लम है, वो जल्दी शुरू हो जाती है, ज्यादा होती है, वह काफी दिनों तक रहती है। ये एक चिली पेशेंट होता है और इसे स्पाइसी और पंजेंट फूड जो है वो बहुत पसंद होता है, लेकिन इनमें इनको स्वीट्स मिठाई से परहेज रहता है, जो कि कैलकेरिया काप से काफी ऑपोजिट है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें बच्चे को जो है ब्लीडिंग की प्रॉब्लम जो होती है, वो कंटिन्यूअस या बिटवीन पीरियड्स के बीच में भी हो जाती है, या थोड़ा बहुत चलने फिरने पर भी हो जाती है रिग्रो में। और इसमें ब्राइट रेड कलर का ब्लड आता है, और उन्हें बार बार यूरिन जाने की इच्छा करती है, या बार बार मोशन जाने की इच्छा करती है पीरियड्स के दौरान। ये इसके खास लक्षण हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ल्यूकोरिया, यानी कि सफेद पानी की शिकायत, जो कि आमतौर पे प्यूबर्टी पर देखी जाती है। ये चिंताजनक तब तक नहीं है, क्योंकि एक ये नॉर्मल चीज है, जब ये सफेद नॉन इरिटेटिंग है, जब इसमें से कोई अजीब सी पंजेंट स्मेल नहीं आती है, या हमें और कोई यूरिनरी लक्षण नहीं है, तो एक फिजियोलॉजिकल नॉर्मल सी चीज है, जो कि हमारे ऑर्गन्स को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी के फ्लूइड्स हैं। लेकिन अगर इसकी वजह से खुजली, जलन, इरिटेशन व रेडनेस हो, तो हमें इसके लिए ध्यान देने की जरूरत है, साथ ही फंगल इन्फेक्शन और अन्य इन्फेक्शन के हिसाब से ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। इसकी जो प्रमुख दवाइयां हैं, वी स्टार्ट विद बोरैक्स। इसमें जो सफेद पानी की शिकायत होती है, इसमें दही जैसा या अंडे के सफेद भाग जैसा डिस्चार्ज होता है, और पीरियड्स के दौरान होता है, जिसमें काफी खुजली, जलन, इरिटेशन होती है। ये बहुत ही एक अच्छी दवाई है, जो लड़कियों को किशोरावस्था में इस परेशानी से निजात दिलाती है। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई एलुमिना। ये भी खासकर इसी एज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो डिस्चार्ज रहता है, वो काफी ज्यादा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, और पीले रंग का होता है। इसके साथ ही कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स भी इसमें रहते हैं, कब्जियत की शिकायत रहती है, लॉट ऑफ वीकनेस इज देयर, और खासकर दिन के समय ये वीकनेस रहती है। और खास दवाई है क्रियोसोटम। ऐसे मैंने बहुत सारे केस देखे हैं जहाँ की बहुत ज्यादा सर्विसाइटिस, सर्विक्स में इन्फ्लेमेशन हो गया है, डिस्चार्ज बहुत ही एक्रिड है, और जिससे काफी जलन होती है, इरिटेशन होती है। तो अगर आपकी और दवाइयाँ काम नहीं कर रही, क्रियोसोटम तो इतनी अच्छी दवाई है, ये आपको तुरंत असर दिखाती है। इसमें डिस्चार्ज जो होता है वो येलोइश होता है, ऑफेंसिव होता है, और कोरोसिव होता है, जिससे कि परेशानी काफी होती है, इरिटेशन होती है पार्ट्स की एनेटली, और इसके जो स्टेन्स, दाग धब्बे जो रहते हैं, वो स्टार्ची टाइप का फ्लूड रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसमेनोरिया की, जिसमें कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान होने वाले दर्द को हम, जो उससे जुड़ा हुआ है, उसे हम डिसमेनोरिया के रूप में जानते हैं। ज्यादातर महिलाओं में कुछ ना कुछ दर्द तो की शिकायत तो देखी जाती है, लेकिन जब ये काफी समय तक रहे व इसकी तीव्रता काफी अधिक है,
तब हमें इसके बारे में ध्यान देने की जरूरत है। और ऐसी तीव्रता रहती है कि हम अपना नियमित कार्य करने में दिक्कत आए। कई महिलाओं में तेज दर्द के साथ साथ जी मचलाना, उल्टी, सिर दर्द, डायरिया व चक्कर आना, ऐसे इश्यूज भी देखे जाते हैं। तो होम्योपैथी में जो खास दवाइयां हैं इस फेज के लिए, सर्वप्रथम मैग्नीशिया फॉस्फोरिका, इसे हिंदी मतलब इसे होम्योपैथी का पेन किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका काफी एंटी स्पाइस्मोडिक ड्रग है ये। तो इसका असर जो स्पाज्मेटिक जो दर्द रहता है उसमें बहुत ही असरदार है। जब बहुत ज्यादा तेज दर्द हो पीरियड्स के दौरान, और जो दर्द है वो क्रैम्प जैसा, बाइटे जैसा दर्द हो, और जो दबाने से जिसमें आराम मिले, थोड़ा झुकने से आराम मिले, गर्म पानी की सिकाई से आराम मिले, वो मैग्नीशिया फॉस की तरफ इशारा करते हैं। साथ ही इसमें थोड़े क्लॉट्स जब पास हो जाते हैं महावारी के समय, तो उससे काफी आराम मिलता है। और महावारी इसमें गहरे लाल रंग की और थक्के भी होते हैं इसमें, और ज्यादातर ये रात के समय होती है, ये इसके खास लक्षण है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कोलोसिन, जिसमें भी दर्द काफी तीव्र कैंपिंग पेन होता है, और ये खासकर उन सेंसिटिव गर्ल्स में होता है, मतलब उन सेंसिटिव गर्ल्स जिनको कि आप कुछ बोल दें तो उन्हें बुरा लग जाए, या उन्हें बेइज्जती या उनसे रूखा व्यवहार करने पर उन्हें शारीरिक दिक्कतें हो जाए। और जैसा कि हम जानते हैं कोलोसिन का जो दर्द है वो बेंडिंग डबल से, हार्ट प्रेशर से उसमें आराम मिलता है, और सिकाई से भी आराम मिलता है। ये दोनों बहुत अच्छी दवाएं हैं डिसमेनोरिया को बहुत अच्छे से मैनेज करने में। नेक्स्ट है सिनेसिफ्यूगा, ये भी बहुत ही बेहतरीन दवाई है, जिसमें कि इरेगुलर मतलब आपके पीरियड समय पर नहीं आ रहे हैं, और साथ ही पीरियड्स के समय शूटिंग बहुत तेज दर्द होता है, जो आपके हिप से लेकर थाइस तक जाता है, जैसे कि लेबर के दौरान, जैसे बच्चा पैदा करने के दौरान जो दर्द होता है पेल्विक एरिया में, उस तरीके के इसमें लक्षण आते हैं। इसके साथ ही सिर में दर्द होना, और खासकर गले में, गर्दन में जकड़न होना, यह काफी सिनेसिफ्यूगा में पाया जाता है। जो लड़कियां होती हैं सिनेसिफ्यूगा के जिनमें लक्षण पाए जाते हैं, वो काफी टॉकेटिव होती हैं, उन्हें बातचीत करना बहुत पसंद है, लेकिन जैसे ही पीरियड आता है तो वो लड़की एकदम बदल जाती है, एकदम उसमें गुस्सा आ जाता है, डर, चिड़चिड़ापन या डिप्रेशन के लक्षण भी शामिल होते हैं। तो इसमें ना केवल शारीरिक बदलाव आते हैं, बल्कि मनोवैज्ञानिक बदलाव भी उस कन्या में देखे जाते हैं। नेक्स्ट इज वाइबैनम ओकुलस, इसमें पीरियड्स लेट होते हैं, देर से होते हैं, कम होते हैं, वह कुछ ही घंटों में होते हैं। कई बार हमारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो हमसे कहते हैं कि मैम मुझे तो पीरियड्स खास होते ही नहीं है, मुझे तो बस एक दिन में मैं फ्री हो जाती हूँ। आप एक दिन में फ्री हो जाते हैं या आपको कई दिन तक पीरियड्स रहते हैं, तो हमें हमारे पीरियड्स रेगुलर होने चाहिए, तो ये दवा उस केस में पाई जाती है। और इसमें क्रैम्स रहते हैं लोअर एब्डोमेन में, मतलब पेट के निचले हिस्से में, वो पेल्विस में व कमर में, जो कि जांघों तक आपको इसका क्रैम्पिंग पेन होता है, और इस पेन को थोड़ा आराम मिलता है जब ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, यानी कि महावारी शुरू होने पर इसे थोड़ा आराम मिलता है। नेक्स्ट इज पल्साटेला, पल्साटेला एक बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवाई है, खासकर महिलाओं के लिए जिनको खुली हवा में रहना बहुत पसंद है। पल्साटेला की खास बात यह है कि इट्स चेंजेबल, मतलब बदलता रहता है इनका स्वरूप, ये इस तरीके की महिला होती हैं। इसी तरह इनकी महावारी भी अलग होती है, कभी आएगी कम, कभी आएगी ज्यादा, जैसे उनके मूड्स बदलते हैं सेम वैसे इनकी महावारी का पैटर्न रहता है। देर से आएंगे, गहरे रंग के आएंगे, बीच बीच में आ जाएंगे, और हर बार अलग अलग टाइप का फ्लो रहता है, तो हम पल्साटेला के बारे में उस समय सोच सकते हैं। नेक्स्ट पीरियड्स इरेगुलर हैं, डिलेड हैं, या जब थिक है मतलब और कमी है जब पीरियड्स की, या डार्क क्लॉटेड हैं, तो उस समय इस दवाई के बारे में हम सोच सकते हैं। और इसके साथ ही यदि ब्रेस्ट में पेन है और डायरिया है, देन इट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर दैट प्रॉब्लम। नेक्स्ट रेमेडी के बारे में हम बात करें हैं, इसमें जो किशोरी रहती है वो काफी उसे गुस्सा, हाइपर सेंसिटिव, इरिटेबल रहती है, उस केस पे जैसे कि हमने देखा है कि जिद्दीपन की दवा भी बहुत अच्छी है कैमोमिला,
साथ ही ऐसी लड़कियां जिनको कि महावारी के समय काफी क्रैम्पिंग दर्द होता है और दर्द इतना उनका काफी बढ़ जाता है क्योंकि वो इमोशनली काफी परेशान रहती हैं, मतलब हर उसके उनके जो इमोशंस हैं वो जुड़े हुए हैं उनकी शारीरिक परेशानियों के साथ। तो इसमें उनको काफी ज्यादा अधिक महावारी होना, गहरे रंग की और धक्केदार महावारी होना जो कि रात में ज्यादा होती है, ऐसे लक्षण हमें कैमोमिला में पाए जाते हैं, और हवा का एक्सपोजर से उनकी परेशानी बढ़ जाती है और इन्हें सिकाई से बिल्कुल आराम नहीं मिलता है, बल्कि इन्हें चलने फिरने से आराम मिलता है, ना केवल टेंशन और डिस्कम्फर्ट में भी आराम मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैल्केरिया कार्बोनिका की, जिसमें थकान, कंफ्यूजन, डिस्करेजमेंट ये एक लड़की में पाया जाए और साथ ही उसे बहुत ठंड लगे और बाकी चीजें हमने पहले कैल्केरिया कार्बोनिकम की डिस्कस कर रही हैं, साथ ही थकान रहे तो हम कैल्केरिया कार्बोनिकम के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट हम महिलाओं के दूसरे पड़ाव के बारे में बात करते हैं। अभी हमने किशोरावस्था के बारे में बात करी, अब हम सेक्सुअल मैच्योरेशन यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में बात करते हैं, जिनमें बहुत सारी कॉमन बीमारियां हैं, इनफर्टिलिटी, बार्थोलिनसिस, एडनेक्सल ट्यूमर्स, सर्विसाइटिस, ओवेरियन सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस। सर्वप्रथम हम इनफर्टिलिटी के बारे में बात करते हैं। एक स्त्री को संपूर्ण तभी माना जाता है और वो खुद भी संपूर्ण अपने आप को तभी समझती है जब वो एक बच्चे को जन्म देती है। एक बहुत ही अलग फेज होता है उस स्त्री के लिए और संपूर्ण परिवार के लिए। तो इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन, जबकि वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इस स्थिति में वो बहुत परेशान रहती है। तो उस स्थिति में होम्योपैथी भी एक आशा की किरण है। तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो है ये केवल महिलाओं में नहीं रहती, पुरुषों में भी रहती है। तो हमें समय रहते जिस व्यक्ति को भी प्रॉब्लम है उसका इलाज लेना चाहिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एब्रोमाराडिक्स। ये काफी अच्छी दवाई है जो कि बांझपन का बहुत अच्छे के लिए कारगर साबित होती है उन महिलाओं में जिनके भी पीरियड्स समय पर नहीं आते हैं और जिनके पीरियड्स काफी कम आते हैं या अधिक आते हैं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी है बोरैक्स। ये बहुत ही एक अच्छी दवाई है इनफर्टिलिटी में उन महिलाओं के लिए जिनको कि एसिडिक वेजाइनल डिस्चार्जेस होते हैं। इन डिस्चार्जेस की वजह से जो स्पर्म्स हैं वो मर जाते हैं, मतलब स्पर्म्स को जो ओवम से के बाद जो इम्प्लांटेशन होता है वो हो नहीं पाता है क्योंकि वेजाइनल डिस्चार्ज की वजह से जो है वो स्पर्म्स वहीं की वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये बहुत ही एक इफेक्टिव मेडिसिन है, जबकि बार बार डीएनसी हो जाती है, बार बार अबॉर्शन करने पड़ते हैं या हुए हो उस केस में कंसीव करने के लिए ये काफी अच्छी दवाई है जो आपकी बच्चेदानी को सुदृढ़ करती है। नेक्स्ट है नैट्रम फॉस्फोरिकम, जो बहुत ही अच्छी दवाई है वजाइनल डिस्चार्ज के लिए, जहाँ पे एसिडिक वजाइनल डिस्चार्ज हो जिसकी वजह से स्पर्म्स वहीं नष्ट हो जाएं। ऐसी महिलाओं का जो डिस्चार्ज रहेगा वो काफी इरिटेटिंग और काफी क्रीम कलर का और हनी कलर्ड वजाइनल डिस्चार्ज रहता है और उसमें अजीब सी फ्रूटी स्मेल आती है, सावर। कैल्केरिया कार्ब बहुत ही इफेक्टिव दवाई है, डीप एक्टिंग दवाई है जो इनफर्टिलिटी की उन महिलाओं में जिनके पीरियड्स बहुत ज्यादा लंबे होते हैं या बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, समय से पहले जिनको प्यूबर्टी आ जाती है या जिनके समय से पहले पीरियड्स आ जाते हैं। और बाकी कैल्केरिया काब तो हम बहुत अच्छे से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट रेमेडी है एलिट्रिस। इसके मेन जो लक्षण है इसमें पीरियड्स जो है वो जल्दी आते हैं और काफी अधिक मात्रा में आते हैं, तब हम इसके बारे में सोच सकते हैं। साथ ही इन्हें सफेद पानी की शिकायत रहती है और अनीमिक रहती है, खून की कमी रहती है, वीकनेस और थकान रहती है और साथ में मेनोरेजिया मतलब अधिक महावारी होने की शिकायत रहती है। और ऐसे व्यक्ति को जिसको बार बार अबॉर्शंस होते हैं तो एलेट्रिस एक उपयुक्त दवाई हो सकती है उनके लिए। नेक्स्ट है पल्साटिला नाइग्रिकम्स। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दवाई है जो इनफर्टिलिटी में महिलाओं के लिए बहुत कारगर साबित होती है, जिसमें पीरियड्स बहुत ही कम देर के लिए या कम आए और इनके पीरियड्स काफी चेंजेबल रहते हैं और खासकर वो महिलाएं जो कुछ
कुछ ना कुछ परेशानियों में रही हैं जब से उनकी पीरियड्स आए हैं, तो ऐसी महिलाओं के लिए ये काफी कारगर साबित होते हैं। और खासकर पीसीओडी के केसेस में जहाँ पे इनफर्टिलिटी हो कि इनफर्टिलिटी का कारण पीसीओडी है, उस केस में भी पल्सेटिला बहुत कारगर साबित होती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन है सीपिया, जो कि इनफर्टिलिटी के लिए कारगर है, जहाँ पे जो पीरियड आता है, महावारी होती है, वो कम होती है, सप्रेस्ड होती है और थोड़ी देर के लिए होती है। और इसमें एक विशेष लक्षण है कि हमें बियरिंग डाउन सेंसेशन बच्चेदानी में हो, तो उस केस में ये काफी एक अहम दवाई है। सीपिया के बारे में अभी हम केसेस में भी डिस्कस करेंगे। इसमें इट हैज सेक्स के प्रति रुचि नहीं रहती है और वेजाइना में भी एक्सेसिव ड्राइनेस रहता है, जिसकी वजह से डिस्पैरनियो यानी कि इंटरकोर्स के समय इन्हें पीड़ा होती है। नेक्स्ट है एग्नस कैस्टस, जो कि एक इफेक्टिव रेमेडी है उन महिलाओं में जिनके अंदर सेक्सुअल डिजायर काफी कम रहती है या बिल्कुल ही इच्छा नहीं रहती है। इसका कारण एक्सेसिव मैस्टर्बेशन भी हो सकता है और उनके जनांग जो है काफी रिलैक्स रहते हैं और उनके जो डिस्चार्ज रहता है वो काफी ट्रांसपेरेंट रहता है। नेक्स्ट है नेट्रम कार्बोनिकम, इसमें भी जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो काफी बदबूदार रहता है और इसकी वजह से स्पर्म्स रिटेंशन का रिटेंशन नहीं हो पाता और प्रेगनेंसी की गर्भधारण नहीं हो पाता। इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग बियरिंग डाउन फीलिंग रहती है कि जैसे सब बाहर आ जाएगा, तो इस तरह की के प्रॉब्लम प्रोलैप्सस जैसी भी इसमें लक्षण पाए जाते हैं। साथ ही अत्यधिक सफेद पानी की शिकायत होना, मेंसेस का देर से आना, कम आना इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसमें सेक्सुअल डिजायर काफी अधिक रहती है। नेक्स्ट मेडिसिन है स्टाफिसेग्रिया। कई बार अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी हम देखते हैं जो आजकल खास तौर पे देखने को मिलती है, तो उसकी एक बहुत ही अच्छी दवाई है स्टाफिसेग्रिया, जहां हमें कोई कॉज समझ में नहीं आ रहा है। इस केस में इसमें जो सर्वाइकल म्यूकस रहता है काफी गाढ़े रंग का रहता है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। और इसकी एक वजह ये भी है कि जो वेजाइना है वहां पे काफी स्पाज्म्स होते हैं इंटरकोर्स के दौरान, तो वो महिला गर्भधारण नहीं कर पाती है। नेक्स्ट है एसिडम फॉस्फोरिकम, ये प्राइमरी स्टेरिलिटी स्टेरिलिटी यानी कि पहली बार जब हम ट्राई कर रहे हैं बच्चे के लिए, तो उस केस में उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छी कारगर साबित होती है जिनको कि डायबिटीज है या जो ट्यूबरक्लोसिस से ग्रस्त हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति वाली महिलाओं के लिए हम सोच सकते हैं इस दवाई के बारे में, जहाँ पे जो उनके पीरियड्स हैं वो काफी जल्दी होते हैं, काफी अधिक मात्रा में होते हैं, वह अनियमित होते हैं। और जो वेजाइना के जो सिक्रीशंस हैं वो भी काफी एसिडिक होते हैं, इसीलिए स्पर्म्स वहां जल्दी जाके डाई हो जाते हैं। तो जो फीमेल्स रहती हैं इसकी काफी इनडिफरेंट और एपैथेटिक रहते हैं। ये बहुत ही ग्रेफाइटिस एक अच्छी दवाई है स्टेरिलिटी में, इनफर्टिलिटी में, ऐसी महिलाएं की जिनमें मोटापा है बट अब वो इमेसिएट हो रही हैं, कमजोर हो रही हैं, वो काफी एक चिली पेशेंट रहती हैं। इनके पीरियड्स काफी लेट होते हैं, साथ ही कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता और इपिगैस्ट्रियम में काफी इनको तेज दर्द होता है। और इन्हें भी सेक्स के प्रति बिल्कुल रुचि नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं एवर्जन रहता है। इसमें कंसीव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इस प्रकार की महिला काफी दुखी रहती है और म्यूजिक इसे दुखी कर देगा। और नेक्स्ट है नेट्रम यूरेटिकम, ये एक और विशेष दवा है इनफर्टिलिटी के लिए। जिन महिलाओं में डार्क रंग के हेयर होते हैं या जिनका डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, उन महिलाओं की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये सूटेबल है। जो पीरियड्स होते हैं काफी जल्दी होते हैं और काफी होते हैं, मात्रा में होते हैं, और इनके जेनाइटल ऑर्गन्स काफी सेंसिटिव होते हैं। वो बेहोश भी हो जाती हैं कई बार अब जब कोई पोषण अटेम्प्ट होता है, और खास तौर पे क्रेविंग फॉर सॉल्ट देखा गया। नेक्स्ट है गॉसिपियम, बहुत ही इफेक्टिव दवाई है जहाँ पे यूट्रस अनडेवलप्ड हो या कमजोर हो,
तो ये यूट्रस का एक टॉनिक है जो गॉसिपियम है, और पीरियड्स डिले हो सकते हैं, लेट आते हो या कम आते हो, उन केसेस में गॉसिपियम का एक खास रोल है। साथ ही इसमें काफी तेज बैक पेन होता है और सैक्रल पेन भी उसमें होता है। नेक्स्ट हम पीएमएस के बारे में बात करते हैं। ऐसे लक्षण जो पीरियड्स के आने से पहले महिलाओं में जो परेशानियां होती हैं, जो मूड स्विंग्स होते हैं, उन्हें हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। और ये लगभग एक पैटर्न सा रहता है जो हर पीरियड आने के पहले होता है, चाहे ये कुछ घंटे पहले आए या कुछ दिन पहले आए, तो इसे हम पीएमएस के नाम से जानते हैं। तो उसमें कई तरीके के फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, जो शारीरिक सिम्टम्स होते हैं, और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, मनोवैज्ञानिक सिम्टम्स होते हैं। आइए उनके बारे में जानें। सबसे पहले जो शारीरिक लक्षण रहते हैं, उनमें कई महिलाओं को पीरियड आने से पहले माइग्रेन जैसा सिर दर्द हो जाता है, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रेस्ट की स्वेलिंग जो होती है वो पेनफुल हो जाती है, उनके चेहरे पर मुहासे आ जाते हैं, या उनका पेट में पेट फूल जाता है, या कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है। साथ ही पेल्विक डिस्कम्फर्ट रहता है, बार बार यूरिन जाने की इच्छा करती है, या वेट गेन होने लगता है। तो ये फिजिकल सिम्टम्स हैं पीएमएस के। जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, और एज होम्योपैथ्स ये हमारे लिए काफी अहम इसीलिए हैं कि हम इसी के हिसाब से अपना दवाई का चयन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जहां महिला को बहुत थकान, आलसपन, सुस्ती जैसा हो पीरियड्स के पहले, तो ये एक लक्षण है उसका। और बहुत ही मूड स्विंग्स होते हैं और बहुत ही इरिटेशन होता है महिलाओं को, गुस्से में कुछ भी बोलना, उनको नींद का डिसबैलेंस हो जाना, समय पर नींद नहीं आना, मन दुखी रहना, डिप्रेशन हो जाना, सुसाइडल और होमिसाइडल टेंडेंसीज हो जाना, ये इस तरह के लक्षण भी पीएमएस में कई बार देखने को मिलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, कभी भी पीएमएस वाली प्रॉब्लम हो तो महिलाओं से आप दूर रहें, तो गुस्सा भी कर सकती है आपके ऊपर। चलिए अब हम उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए पल्साटेला बहुत ही अच्छी दवाई है, जो उन महिलाओं में काम आती है जिनके की पीरियड्स के समय उनको काफी इरिटेबिलिटी रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, और काफी उन्हें रोने की इच्छा करती है। जैसे बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है, पेशेंट आए आपके पास रोने लगे और बोले कि इस तरीके से मुझे चिड़चिड़ापन हो रहा है, कभी पीरियड्स कम आते हैं, कभी ज्यादा आते हैं, तो उन केसेस में हम ऐसी महिलाओं के बारे में सोच सकते हैं। और पल्साटेला एक बहुत ही अटेंशन सीकिंग पर्सन है, उसको लाइमलाइट में रहना, सबका चहेता बनना उसका बहुत शौक है। तो ऐसी महिलाएं तो अलग ही दिख जाएंगी, तो क्योंकि वो अटेंशन सीकर है, और उनके जो पीरियड्स की जो समस्या है वो लेट आते हैं या सप्रेस हो जाते हैं, और साथ ही उनके अंदर जी मचलाना, बेहोशी जैसी परेशानियों का पीरियड्स के समय होना, ये पल्साटेला का लक्षण है। नेक्स्ट है कैल्केरिया का, जो कि हम देख चुके हैं। इसमें मेंटल वीकनेस भी काफी होती है, और वो अपनी मेंटल वीकनेस वो महिला दूसरे लोगों को दिखाना नहीं चाहती है, वो मानसिक रूप में बहुत ही थकान रहती है, एंजाइटी रहती है, तो ऐसी महिलाओं के लिए कैल्केरिया का आप सोच सकते हैं। ये तो हमें सिम्टम्स हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है इग्नेशिया। इग्नेशिया इज अ वेरी बहुत ही अहम दवाई है उन सेंसिटिव लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए जो कोई दुख, डिसअपॉइंटमेंट या कोई पीड़ा से गुजर चुकी हैं। तो ऐसी महिलाएं आपके पास दिल खोल कर आपको अपनी बातें नहीं बताएंगे, वो अकेले में ही ये सब करना चाहेंगे, और कभी हंसेंगी, कभी एकदम से रोएंगी, तो इनके मूड के बारे में भी आप कुछ नहीं कह सकते हैं। और एक लक्षण है फीलिंग ऑफ लंप इन द थ्रोट, और छाती में भारीपन, और कोई बार बार उबासी ले, तो वो एक इग्नेशिया का लक्षण हो सकता है। नेक्स्ट इज ग्रेफाइटिस। ये उन महिलाओं के लिए खासकर है जो काफी जिनके अंदर मोटापे की शिकायत पाई जाती है, साथ ही कॉन्स्टिपेशन, वह जिनके पीरियड्स महावारी लेट आए, तो उन्हें काफी डिप्रेशन हो जाता है इसकी वजह से। और ऐसी महिलाएं पुरानी बातों को सोच सोच के याद करती हैं और नई बातों को भूल जाती हैं,
और इनके जो पीरियड्स रहते हैं काफी लेट होते हैं, इरेगुलर होते हैं और कम होते हैं। नेक्स्ट, ल्यूकोरिया इंस्टेड ऑफ मेंसेस, मतलब पीरियड की जगह सफेद पानी की शिकायत होना इस दवाई का प्रमुख लक्षण है। ऐसी महिलाओं के जो है उनको जल्दी जल्दी खांसी जुकाम, उनकी आवाज बैठ जाना, ये इसी दौरान होता है पीरियड्स आने के पहले। साथ ही उनके पैरों में सूजन, वेट गेन और सफेद पानी की शिकायत होती है। नेक्स्ट है काली कार्बोनिकम, कोई भी झगड़ालू पर्सन दिख जाए थिंक ऑफ काली कार, क्योंकि ये जो काली कार की पर्सनालिटी होती है बहुत ही चिड़चिड़ा, क्वारलसम, झगड़ेलू झगड़ालू महिला जो है, चाहे वो घर पे हो चाहे वर्क कर रही हो, तो आप काली कार्बोनिकम के बारे में जरूर सोचिएगा। ऐसी महिलाएं काफी एंग्शियस और फियरफुल होती हैं, वो अकेले नहीं रहना चाहते हैं और बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, हर वातावरण में जो चेंजेस होते हैं उसके बहुत प्रति बहुत सेंसिटिव होती हैं और ठंड के प्रति काफी सेंसिटिव होती हैं। तीन क्लासिक सिम्टम्स हैं जहाँ पे आप वीकनेस पाएं, स्वेटिंग पाएं और बैक एक, ये तीनों चीजें इकट्ठी पाएं तो ये काली कार्ब का की सिम्टम है। जब तीनों चीजें इकट्ठी हों तो ये बहुत ही अच्छा काली कार्ब को दर्शाता है। ऐसी महिलाओं जिनको काफी अधिक पीरियड्स होते हैं या वो चलते रहते हैं जब तक कि नेक्स्ट पीरियड नहीं आ जाए, मतलब पीरियड खत्म ही नहीं होता, उस केस में भी काली कार बहुत अच्छा काम करती है। तो ऐसी महिलाओं को पीएमएस के लक्षण ऐसे पाए जाते हैं, वो काफी दुखी हो जाती हैं पीरियड्स आने के पहले और बहुत उन्हें गर्मी लगती है और अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट है पल्साटिला, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, इसमें जो लड़कियां हैं वो काफी इमोशनल होती हैं पर वो बताती नहीं है अपने इमोशंस को, अपने अंदर ही रखती हैं, तो काफी इन्हें गुस्सा, चिड़चिड़ापन भी हो जाता है और कंसोलेशन से ये काफी एग्रवेट हो जाती है। इन्हें काफी डिप्रेशन भी हो सकता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ सकता है और रोना भी आ सकता है, बट वो किसी के सामने रोना नहीं चाहती हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए लैट्रम कार भी इफेक्टिव दवाई है। नेक्स्ट इज लैक कैनाइनम, इसमें की जो स्त्री है जिसको पीएमएस की प्रॉब्लम है, साथ ही वो बहुत ही फॉरगेटफुल है, जल्दी जल्दी भूल जाती है, लिखने में गलतियां करती है। ऐसी महिलाएं बहुत जल्दी दुखी भी हो जाती हैं और सोचती हैं कि उन्हें इतना बड़ा रोग हो गया है कि वह ठीक नहीं हो पाएगा, बहुत ही बड़ी बीमारी हो गई है, और उनके पीरियड्स बहुत जल्दी आते हैं और काफी ज्यादा मात्रा में आते हैं और खूब सारे एकदम से पीरियड्स आते हैं लाइक कशिंग, और उन्हें काफी सारे ब्रेस्ट की स्वेलिंग की प्रॉब्लम और पेन की प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट है कोनियम मैक्युलेटम, ये बहुत ही अच्छी दवाई है अविवाहित या महिलाओं के लिए या ओल्ड मेड्स के लिए जिनकी सेक्सुअल डिजायर डिप्रेस्ड हो या अत्यधिक सेक्सुअल इंडल्जेंस हो। ऐसी महिलाएं बहुत ही डिप्रेस्ड, बहुत ही टिमेड और दूसरे लोगों से मिलना पसंद नहीं करें और जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातों पे उसको मेंटल डिप्रेशन हो जाए, और जिन्हें किसी चीज में रुचि नहीं हो उसके लिए हम कोनियम मैक्युलेटम के बारे में भी सोच सकते हैं। और बहुत सारी गठानों में, कैंसर के केसेस में कोनियम मैक्युलेटम का हम इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। पीरियड्स का डिले होना, स्कैंटी होना और पार्ट्स का सेंसिटिव होना इसके कुछ लक्षण है। साथ ही ब्रेस्ट इनलार्जमेंट होना, पेन होना और स्टिचिंग पेन निपल्स में होना, ये एक प्रमुख लक्षण है। अब हम लास्ट पड़ाव की ओर आ रहे हैं जो कि मेनोपॉज है, मतलब महिला के जीवन का लास्ट पड़ाव है। इसके तीन पार्ट्स हैं, पेरी मेनोपॉज मतलब मेनोपॉज होने के पहले की स्थिति, मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज में जब हॉर्मोन्स कम होने लगते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल अनियमित होने लगती हैं, कोई पैटर्न नहीं रह जाता, उसको हम कहते हैं। और जब एक वर्ष तक पीरियड्स नहीं होते हैं लगातार, तब हम मान सकते हैं महिला एक मेनोपॉज की स्थिति में आई है। इसकी वजह से शरीर में काफी फिजिकल चेंजेस तो होते ही हैं, साथ ही साइकोलॉजिकल चेंजेस भी बहुत महिलाओं में होते हैं। एंड पोस्ट मेनोपॉज, जब मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद के जो वर्ष हैं उसको हम पोस्ट मेनोपॉज फेज में गिनते हैं।
ये मुख्य परेशानियां हैं, पीरियड्स का इरेगुलर होना और वेजाइनल ड्राइनेस होना क्योंकि हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से, साथ ही हॉट फ्लैशेस होना, चिल्स होना, नाइट स्वेट्स होना, स्लीप प्रॉब्लम्स होना, नींद की परेशानी होना, मूड चेंजेस होना, वेट गेन होना और मेटाबॉलिज्म का स्लो होना, बालों का पतला होना और स्किन का ड्राई होना, साथ ही और ब्रेस्ट में चेंजेस होना, ये जो लक्षण है ये मेनोपॉज में पाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कैल्शियम की कमी होने लगती है हॉर्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से इस समय, तो ऑस्टियोपोरोसिस का भी एक खतरा बना रहता है। सीपिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है मेनोपॉज के केस में, जब हॉट फ्लैशेस होते हैं और ऐसी महिलाएं जिनको कि हॉट फ्लैशेस के साथ बेहोशी जैसी स्थिति हो जाए और उनकी पूरी शरीर पसीने से भीग जाए, ऐसी महिला के लिए सीपिया बहुत ही कारगर दवाई है। और साथ ही सीपिया वेजाइनल ड्राइनेस, सेक्सुअल डिजायर का कम होना और डिस्पैरियूनिया यानी कि पेनफुल इंटरकोर्स की प्रॉब्लम हो तो सीपिया के बारे में आप सोच सकते हैं। और साथ ही वेट गेन को मैनेज करने के लिए सीपिया एक इफेक्टिव दवाई है मेनोपॉज के केस में। और साथ ही हेयर लॉस के लिए भी इसके काफी। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट दवाई है लैक्सिस, जो कि बहुत ही हॉट फ्लैशेस के लिए एक वरदान है होम्योपैथी में। तो लैक्सिस की जो महिलाएं हैं उनको नाइट स्वेट्स की बहुत प्रॉब्लम है, उनको नींद नहीं आती है, वो काफी सस्पिशियस जेलस मेंटालिटी की हो जाती हैं, साथ ही उन्हें डिप्रेशन भी रहने लगता है पीरियड्स के दौरान। तो इस और चूंकि आपको पता है कि ऐसी महिलाएं मतलब दूर भागना चाहती हैं, सोशल इंटरेक्शन नहीं करना चाहती हैं, तो उस केस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट ग्रेफाइटस है जो दवाई, वो मेनोपॉजल केस में ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही कारगर दवाई है। इग्नेशिया भी एक बहुत अच्छी दवाई है, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कैल्केरिया काब। चलिए अब हम केसेस के बारे में फटाफट डिस्कस कर लें। पहला केस है मिसेस रजनी, इनकी उम्र 18 साल है और इन्हें 6 महीने से पीरियड्स नहीं हो रहे थे। तो पहले पीरियड्स तो हो गए थे लेकिन अभी कुछ 6 महीनों से इन्हें पीरियड नहीं हो रहे थे, इसी की वजह से ये हमारे पास दिखाने के लिए आई। और उन्हें बहुत तेज क्रैम्पिंग पेन हो रहा था लेफ्ट इलियाक रीजन में। तो हमने बहुत सारे सवाल किए पर वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी आंसर करने थे। तो पेशेंट्स के जो अटेंडेंट है उन्होंने बताया कि इनका व्यवहार काफी परिवर्तित हो चुका है, वो काफी चुप रहने लगी है और उसे किसी चीज में मजा ही नहीं आता, मतलब इतना मजा नहीं आता कि उसको जो खाना पसंद था, जो उसका फेवरेट फूड था, अगर उसके सामने उसकी मम्मी बना के रख दें तो उसकी तरफ भी नहीं देखते। तो ये लक्षण उनके अटेंडेंट ने बताए। और जो उन्होंने कंप्लेन बताई कि उन्हें एक ऐसा लगता है कि देयर इज अ लंप इन द थ्रोट और बार बार चोकिंग जैसी सेंसेशन होती है। अब हम तो होम्योपैथ्स हैं तो हम तो जड़ तक जाके रहेंगे, हम पता लगा के रहेंगे कि क्या बेसिक रीजन है, पेशेंट तो बता नहीं रहा है। तो इसमें हमें पता चला कि द पेशेंट हैड अ हार्ट ब्रेक, मतलब उन्हें डिसअपॉइंटमेंट इन लव हुआ था 7 महीने पहले और उसी के बाद से ये इंटरेस्ट लूज करने लगे। मैं छोटा सा आपको किस्सा सुनाना चाहूंगी यहाँ पे। इट्स बेसिकली अ स्टोरी। तो एक एक पर्सन थे, उन्होंने व्यापारी थे, उन्होंने किसी से महाजन से बहुत उधार ले रखा था मनी और वो लौटा नहीं पा रहे थे। तो महाजन ने उनको सुझाव दिया कि आपकी खूबसूरत बिटिया से आप मेरा विवाह करा दीजिए, मैं आपका कर्ज माफ कर दूंगा। तो उन्हें वो चूंकि महाजन बिल्कुल पसंद नहीं थे, ना सूरत से ना सीरत से, तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये नीचे पत्थर रखे हैं, कुछ सफेद हैं कुछ काले हैं, और अगर काले पत्थर आए तो आप मेरी बेटी से शादी कर सकते हैं और मेरा कर्ज भी माफ कर सकते हैं, लेकिन अगर सफेद पत्थर चुने आपने तो उस केस में मतलब आप कर्जा भी माफ कर देंगे और मेरी बेटी से शादी भी नहीं करेंगे। तो महाजन जो था वो तो बहुत चालाक था, तो उसने दोनों हाथों में काले पत्थर भर लिए कि जब वो बेटी चूज करेगी तो जो भी चूज करे, जीतना तो मुझे ही है। अब बेटी के पास 3 स्थिति थी कि वो पापा को बता दे कि ऐसे ऐसे इन्होंने चीटिंग कर रहे हैं हमारे साथ,
बट उसने एज अ होम्योपैथ, जैसे हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं, तो उसने भी बहुत दिमाग लगाया। तो उसने क्या किया, जैसे ही उनकी मुट्ठी खोली तो उसमें से पत्थर लिए, तो उसने क्लमजिली उसको खोला ताकि वो पत्थर नीचे गिर गए। तो बोली, अरे ओ आई एम सॉरी कि ये तो पत्थर गिर रहे हैं, चलिए अब अपना दूसरा हाथ बताइए, अब जो पत्थर बचे होंगे उससे हम जांच लेंगे कौन से आपने चुने हैं। तो चूंकि उसके दोनों हाथों में ही काले थे, तो काले ही पत्थर उसके दूसरे हाथ में मिले। तो बोली, देखिए सफेद था, तो अब तो हम शर्त जीत गए, ना हमें कर्जा देना है और ना मैं आपसे शादी करूंगी। तो इसी प्रकार जो होम्योपैथ होते हैं, लक्षण तो बहुत सारे सामने आते हैं, जब तक कि वो हिडन लक्षण नहीं निकालते, जब तक कि वो जरूरी क्वेश्चनिंग करके जो मुख्य लक्षण है, मुख्य बातें हैं, पर्टिकुलर सिम्टम्स रहते हैं, उन तक नहीं पहुंचते होम्योपैथ अपनी जंग जीतने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो इधर हमने भी ढूंढा और उसके हिसाब से हमने मेडिसिन का चुनाव लिया। तो शी ऑल्सो हैड ट्यूबो ओवेरियन मास, लेफ्ट साइड का था। तो ये हमने रूब्रिक्स लिए। आई थिंक समय भी कम रह गया, मुझे दो केसेस और करने हैं, ये रूब्रिक्स लेके। हमने ये दवाई का चयन किया और चूंकि इसके मेंटल सिम्टम्स हमें बहुत अच्छे मिले, तो वी स्टार्टेड विद दिस इग्नेशिया हमारा, हमने 1 ml दी। और अगले महीने आकर उस लड़की ने बोला कि मुझे काफी रिलीफ है, पीरियड्स तो नहीं आए हैं अभी, मुझे 6 महीने से नहीं आए, अभी भी पीरियड्स नहीं आए हैं, बट मुझे काफी अंतर है। तो हमें पता चला कि अब उसने अपना जो चीजें पसंद करती थी, वो खाना इंजॉय करना शुरू कर दिया और लोगों से इंटरेक्शन करना शुरू कर दिया। तो आप देखिए होम्योपैथी में कितने अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, अगर आप पेशेंट के अंदर तक घुस के उनसे जो हम सिम्टम्स जो दबाए बैठे हैं, जो फीलिंग्स दबाए बैठे हैं, वो निकाल लें। साथ ही 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड कराने पर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। नेक्स्ट एक और केस है, इसे सुप्रिया, एज 41 ईयर्स। इन्हें लेफ्ट साइड में एकिंग पेन की लोअर एब्डोमेन में शिकायत थी, जो कि पीछे तक जा रहा था। साथ ही मेंसेस इनके इरेगुलर थे और इन पेशेंट को कोई डिजायर नहीं थी कोइशन की। तो इस केस में उनको लेफ्ट ओवरी में बल्की थी और एक सिस्ट थी, थ्री पॉइंट टू इंटू टू पॉइंट डॉक्टर जी सर सपना जी, आपका समय नहीं है, जल्दी इसको समाप्त करिए, 1-2 मिनट में समाप्त कीजिए। टाइम जी सर टाइम टाइम आपका खत्म हो चुका है, हाँ, टाइम हम लोग का 5 मिनट में हो क्लोजिंग जाएगा सर। पर आ गया, 5 मिनट थोड़ा सा। चलिए मैं और जल्दी कर लेती हूँ ना। तो इनके जो हस्बैंड आए थे, उन्होंने सबसे पहले हमारे हमें यही बताया कि ये जो बोले मेरा तो डाइवोर्स हो जाएगा, प्लीज आप कुछ करिए, हमारी सेक्सुअल लाइफ इतनी बेकार है, प्लीज कुछ करिए। तो कई बार ऐसे लक्षण भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये हमने रूब्रिक्स लिए थे। सीपीआर वॉज द मेडिसिन दैट वी हैव चोजन, मतलब इनके लिए हमने चुनी थी, और इसके बाद से वो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो गई। तो ना केवल पेशेंट खुश था बल्कि उनके हस्बैंड भी बहुत खुश थे। ये रिजॉल्व होने के बाद का है। लास्ट केस है, 2 मिनट के अंदर मैं फिनिश करना चाहूंगी। दिस इज केस ऑफ अ पेशेंट नेम्ड सपना, एज 25 ईयर्स। इनको राइट इलियाक रीजन में पेन था जो कि थाई तक एक्सटेंड होता था, और ये पेन पीरियड आने के एक दिन पहले रात में काफी ज्यादा होता था। तो शी हैड अ राइट ओवेरियन सिस्ट 5.2 इंटू 4.8 सेंटीमीटर्स। ये इसका पहले का अल्ट्रासाउंड है, ये जो हमने रूब्रिक्स लिए हैं उनके। एंड दिस वॉज कैल्केरिया कार्बोनिकम वॉज द रेमेडी दैट वी हैड चोजन। उसके बाद से ना केवल इनका मेंटल जो कंफ्यूजन है वो दूर हुआ, बल्कि पेशेंट पूरा ठीक हो गए। ये पहले का और ये बाद का है, जिसमें कि उसकी गठानतुरी रिजॉल्व हो गई। सर्जन्स कैन कट आउट एवरीथिंग एक्सेप्ट द कॉज, बट होम्योपैथी इज द आंसर टू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट हियरिंग। स्ट्रैटम कार में जो बियरिंग डाउन पेन रहता है, तो जो लेडी रहती है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग इरिटेबल, डिसइंक्लाइंड टू द फैमिली, देर आर चेंजेस इन हर बिहेवियर एट एज सच। बल्कि जो नैटरम कार्प की जो रहती है, जैसे नैटरम ग्रुप की जो पेशेंट्स रहते हैं, उस केस में उनका भी बेयरिंग डाउन सेंसेशन रहता है, बट जो सीपिया का रहता है वो काफी एग्रेसिव रहता है, क्रैम्पिंग पेन भी रहता है ऐसी फीमेल्स में।